प्रोफेसर ओम जी गुप्ता डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यूपी राजस्थान एंड यूनिवर्सिटी प्रयागराज देखिए जो अंश निर्गमित किए जाते हैं ये अभी देखिए तीन मूल्यों पर अंश इश्यू किया सकते हैं देखिए अंश की जो वैल्यू होती है एक होती है फेस वैल्यू तो थोड़ा सा बस बात कर लें एक होती है फेस वैल्यू अंकित मूल्य बोलते हैं फेस वैल्यू जैसे हमने जब एग्जाम्पल दिया था तो हंड्रेड रुपीज़ का शेयर था और उसको कंपनी ने चार पार्ट में उसकी याचनाएँ की अर्थात शेयर आप रुपीज़ हंड्रेड इच तो जो उसकी फेस वैल्यू थी जो फेस वैल्यू थी वो हंड्रेड रुपीज़ तो रुपीज़ हंड्रेड तो ये तो कहलाएगा उसकी फेस वैल्यू और एक होता है कि किस प्राइस पर इशू किया जा रहे हैं संभव है कि जो सौ रुपये का अंश है पब्लिक में जब इशू जा जा तो किया जाए तो उससे ज़्यादा मूल्य पर इशू किया जाए एक सौ बीस रुपये एक सौ पच्चीस रुपये पर तो वो फिर उस पर फिर फेस वैल्यू अलग हो जाएगी और जो ईशू प्राइस है वो अलग हो जाएगा तो अगर सम मूल्य पर इसको कहा जाएगा एट पार तो तीन मूल्य पर इशू कर सकते हैं ईशू ऑफ शेयर एट पार ईशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और इशू ऑफ़ शेयर एट डिस्काउंट तो तीन मूल्य पर हो सकते हैं इशू हो सकते हैं एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट एट पार कब होगा जबकि हंड्रेड रुपीज़ शेयर है तो हंड्रेड पर इशू किया गया तो शेयर ऑफ हंड्रेड और इशू प्राइस और उसकी जो फेस वैल्यू दोनों हंड्रेड रुपीज़ है तो एट पार होगा तो सौ रुपये का सौ रुपये इशू किया गया एट प्रीमियम कब होगा अधिक मूल्य पर अर्थात प्रीमियम पर निर्माण स्वाभाविक है कि जितने का फेस वैल्यू उससे ज़्यादा पर इसको इशू करना तो अगर मान लें एक सौ पच्चीस रुपये पर इशू किया गया तो ये जो प्लस ट्वेंटी फाइव है ये अमाउंट है प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि जो हंड्रेड का शेयर है संभव है कि अगर कुछ कंपनी की गुडविल मार्केट में ठीक नहीं है तो अगर नाइन्टी फाइव पर इशू कर रही है तो ये जो पाँच रुपये कम मिल रहा है ये पाँच रुपये डिस्काउंट हो जाएगा तो नाइन्टी फाइव प्लस फाइव और यहाँ पर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये तीन ये जो इशू प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें इसमें तो एक एट पार हो सकता है एट प्रीमियम हो सकता है एट डिस्काउंट इसके पहले जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था वो एट पार का था अर्थात एक जो भी जो उसकी वैल्यू थी वो फेस वैल्यू के बराबर ही कंपनी ने उसको इशू किया था मार्केट में तो वो था कि एट पार इशू इशू ऑफ शेयर्स एट पार अब अगर देखिए कि एट प्रीमियम पर कंपनी अगर इशू कर दी है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस पर हम डिस्काउंट पर आते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट तो प्रीमियम की हम थोड़ा बात कर लें इसमें कि जो अंश है वो अगर प्रीमियम इशू किए जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं जिसके पहले जो आपने एंट्री की थी वो एंट्री वही होगी केवल प्रीमियम का लेखा उसके लिए थोड़ा सा एक अलग से अकाउंट खोला जाता है अब देखिए प्रीमियम की जहाँ तक बात है अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें उसमें एक थोड़ा समझने में आसान होगा आपको कि अगर हंड्रेड रुपीज शेयर्स ऑफ हंड्रेड इंच रुपीज़ हंड्रेड इंच अब अगर इसके तीन पार्ट में हैं चालीस तीन पार्ट में ये तीन मूल है एक सौ पच्चीस रुपये पर कंपनी इशू करी है इसको अप्लीकेशन फोर्टी रुपीज़ अलाटमेंट फोर्टी रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फोर्टी फाइव रुपीज़ कुल मिलाकर के एक सौ पच्चीस रुपए पर इसको इशू किया जा रहा है अप्लीकेशन अलाटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब ये है कि जो एक सौ है इसमें से प्रीमियम को कहाँ शो किया जाएगा तो या तो क्लियर दिया होगा आपको कि प्रीमियम को कहाँ पर समायोजित करना है अगर कोई अगर आपका साइलेंट है कि प्रीमियम के बारे में प्रावधान अगर नहीं दिए गए तो ये जो प्रीमियम का जो समायोजन है या इसका जो प्रोविज़न है ये अलाटमेंट के साथ किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपिटल देखें चूँकि जितने पर अंश इशू किए जा रहे हैं कैपिटल में उससे ज़्यादा अमाउंट कंपनी क्रेडिट नहीं कर सकती तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी बल्कि ये हो जाएगा फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव चूँकि पच्चीस रुपये एक्सेस है तो ये पच्चीस रुपये तो प्रीमियम हो जाएगा और बाकी जो पंद्रह रुपये है ये कैपिटल का पार्ट होगा तो इस हिसाब से जो कैपिटल का अगर आप देखेंगे तो फोर्टी रुपीज़ कैपिटल ये पूरी की पूरी है यहाँ पर पंद्रह रुपये कैपिटल और ये है आपकी फिफ्टी फोर्टी फाइव रुपीज़ तो ये हो जाएगी फिफ्टी फोर्टी फिफ्टीन फोटी फाइव तो कैपिटल हो जाएगी हंड्रेड और प्रीमियम हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो प्रैक्टिस में जब आप इसको एंट्री करते हैं तो केवल अलाटमेंट के लिए जो इंट्री होगी उसमें प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे बाकी एज़ इट इज़ रहेगा आपका अप्लीकेशन बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आपका वही एंट्री होगी फिर अप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में और देन जब अलाटमेंट ड्यू करेंगे तो उसकी फिर एंट्री आपको ये कैसे करेंगे उसको देख लीजिए यहाँ पर शेयर अलाटमेंट डेबिट देखिए शेयर अलाटमेंट जब आप करेंगे तो अबर में फोटी अभी एक ही अंश के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी शेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर मान लें एक अंश की एंट्री आप कर रहे हैं यहाँ पर तो ये फोर्टी रुपीज़ तो शेयर अलाटमेंट जब आप शेयर अलाटमेंट होगा तो ये प्रीमियम भी अलाटमेंट में जुड़ा हुआ है तो अलाटमेंट को पूरे अमाउंट से डेबिट किया जाएगा अर्थात जो है फोर्टी रुपीस अब कैपिटल में जब आप क्रेडिट करेंगे टू टू शेयर कैपिटल कैपिटल में फिफ्टीन रुपीज़ चूंकि ये कैलकुलेट किया है इसमें और बाकी जो एक्सेस पार्ट है वो प्रीमियम को बल्कि पहले शेयर प्रीमियम कहते थे बाद में फिर कंपनी में इसको फिर अमेंडमेंट किया गया और अब इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहा जाता है तो इसलिए इसको हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट पच्चीस रुपए अगर मान लिया कि ये एक हज़ार अंश से अगर है तो इसको फिर एक हज़ार से मल्टीप्लाई कर लीजिए फोर्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर एक हज़ार अंश को अगर आपको इसकी एंट्री कर रहे हैं आप अगर तो शेयर अलाटमेंट फोर्टी तो थाउजेंड टू शेयर कैपिटल फिफ्टीन थाउजेंड और प्रीमियम का हो गया पच्चीस हज़ार रुपये तो ये तो आपने ड्यू कर लिया तो ये खाली जो अंतर आया इसके पहले जो आपने एट पार इशू किया था तो एट पार में शेयर अलाटमेंट जो आपका डेबिट था यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट है और खाली ये प्रीमियम को आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया तो जो अंतर आया वो प्रीमियम का अमाउंट आपने यहाँ पर प्रीमियम में क्रेडिट कर दिया और इसके बाद जब पेमेंट प्राप्त होता है तो फिर वही सिंपल इंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट तो अलाटमेंट तो आपका फोर्टी रुपीज़ ही है तो अलाटमेंट क्रेडिट होगा फोर्टी से और फिर पेमेंट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट ये फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड तो ये केवल ये अंतर आया बाकी फर्स्ट कार्ड आप ड्यू करेंगे तो वही हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट कार्ड डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का शेयर फर्स्ट काले अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल काला अकाउंट तो जो अगर प्रीमियम पर डेबिट इशू करेंगे तो ये जो है आपका प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा अब यह कि जो प्रीमियम है इसको बैलेंस शीट में लाइबिलटी साइड में शो करते हैं चूँकि जब बैलेंस शीट में आपको शो करना है तो बैलेंस शीट में चूँकि एक तरह से ये एक्स्ट्रा इनकम है और तो इसलिए इसको कैपिटल साइड में शो करते हैं और बल्कि ये एक तरह से ये कैपिटल रिसिप्ट है पूंजीगत प्राप्ति है सामान्य लाभ नहीं है ये सामान्य लाभ तो जो भी कंपनी व्यवसाय संचालित करती है तो उससे जो भी लाभ अर्जित होता है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होता है ये आपका एक तरह से कैपिटल नेचर है तो इसका जो है जो यूटिलाइजेशन है कंपनी कुछ एक स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए ही कर सकती है अगर जैसे अगर जो ये जो प्रीमियम अकाउंट क्रिएिट किया जाता है तो ये जो शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग कुछ एक उद्देश्यों के लिए किया जाता है एक सेक्शन 78 जो कंपनी एक्ट का है तो उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कैसे इसको कंपनी इसका प्रयोग कर सकती है या किन उद्देश्यों के लिए कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज़ कर सकती है तो उसमें तीन चार जो मुख, जो मुख्य बातें हैं तो एक तो सबसे पहले ये कि जो भी कंपनी की स्थापना से संबंधित व्यय है उसको हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं तो टू तो राइट ऑफ प्रिलमरी एक्सपेंडिचर जो भी प्रारंभिक व्यय है उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी इसको यूटिलाइज़ कर सकती है तो जब हम राइट ऑफ करते हैं तो जैसे जैसे मान लिया अगर पच्चीस हज़ार रुपये में ये कहा गया कि फाइव थाउजेंड कंपनी ने इसमें से प्रिलमरी एक्सपेंडिचर से इसको राइट ऑफ किया है तो उसके लिए जब एंट्री करेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट कर देंगे टू प्रीमरी एक्सपेंडिचर फ़ाइव थाउजेंड तो जब राइट ऑफ जिसको भी करना है तो प्रीमियम उतने से डेबिट करेंगे और तो फाइल आप फाइव थाउजेंड राइट ऑफ कर रहे हैं तो टू प्रीमरी एक्सपेंडिचर फाइव थाउजेंड तो एक तो हो सकता है कि जो भी कंपनी के स्थापना संबंधित व्यय है प्रारंभिक व्यय है उसको राइट ऑफ कर सकती है इसके अलावा जब कंपनी जो भी जो अंशों का जब या जो ऋण पत्रों का जब शोधन करती है जब उसका विमोचन करती है या उसको जो है पे ऑफ़ करती है तो उस पर जो भी प्रीमियम दिया जाता है तो प्रीमियम की राशि का आयोजन करने के लिए भी कंपनी उसका उपयोग कर सकती है तो ये जो फॉर द प्रोविजन ऑफ द प्रीमियम पे ऑन रिडम्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो भी जो भी कंपनी शेयर या डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर रही है उस पर जो भी अगर प्रीमियम कोई दिया जाएगा तो उसको भी राइट right ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है उसी तरह से जो कंपनी के जो निर्गमन से संबंधित खर्चे होते हैं शेयर को इश्यू करने के लिए जो भी वे हुआ है उसको कंपनी इससे राइट ऑफ कर सकती है या जो भी कंपनी के अंडर राइटिंग कमीशन से संबंधित खर्चे हैं उसको राइट ऑफ कर सकती है तो ये कई उद्देश्यों के लिए कंपनी इसको यूटिलाइज़ कर सकती है तो जहाँ भी जिस पर्पज़ के लिए आपको कहा गया होगा उसको डेबिट कर देंगे जैसे मान लिया कि जो निर्गन संबंधित व्यय है मान लिया पाँच हज़ार रुपये इसको अपलिखित करना है तो आ, वो जो है आपका हो जाएगा एक्सपेंसिस रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ द शेयर्स डेबिट हो जाएगा और आ, जो क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट हो जाएगा तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम भी एक्सपेंसि टू या कोई डिस्काउंट दिया है शेयर पे तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स तो वो हिसाब से उसको फिर यूटिलाइज कर लेंगे तो ये प्रीमियम से रिलेटेड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम को क्रिएट करना है अब एक और बात कर लेते हैं उसमें डिस्काउंट की अगर डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो इसका कहाँ अंतर आता है अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं देखिए डिस्काउंट के लिए आ, कुछ एक शर्तें दी गई हैं कुछ एक प्रतिबंध लगाए गए हैं सेक्शन 79 में आ, जो कंपनीज एक्ट में कहा गया है तो उसमें महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं वो थोड़ा सा हम इसको एक बार आ, चर्चा कर लेंगे हम यहाँ पर देखिए प्राविज़न जो अधिकतम छूट कंपनी दे सकती है किसी भी मतलब अंशों को निर्मित करने के संबंध में टेन परसेंट है अधिकतम और इसके लिए एक प्रस्ताव कंपनी को पारित करना पड़ता है और लेकिन शर्त है कि एक साल से कंपनी पुरानी हो गई हो अर्थात कंपनी का भी जो भी जो समामेलन हुआ है वो एक साल से पूर्व का हो तो एक साल के स्थापना के एक साल के बाद ही कंपनी उसको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है जो शेयर पहले सम मूल्य पर इशू किए जा चुके हैं आगे चल के कंपनी उन्हीं शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है तो कुछ एक शर्तें हैं उसमें अधिकतम दस प्रतिशत है इससे अधिक के लिए फिर वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की स्वीकृत लेनी पड़ेगी और जो भी कुछ एक शर्तें हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा अगर कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा तो ये कुछ एक जो जो छूट पर जब अंश निर्मित किए जाते हैं तो उसके लिए कुछ एक प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं अधिकतम सीमा दस प्रतिशत है जैसे अगर सौ रुपये का अंश है तो कंपनी नब्बे से कम इसको, इसको इशू नहीं कर सकती तो अगर मान लिया इसको अगर कंपनी नाइन्टी फाइव पर इशू कर रही है तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखें इसी एग्ज़ाम्पल को ये इसको अगर मान लें चालीस पच्चीस और तीस अगर मान लिया आप कंपनी ने चालीस रुपये एप्लीकेशन पे पच्चीस रुपये अलाटमेंट पे और तीस रुपये तो कुल मिलाकर के नाइन्टी फाइव हुआ पंचानवे अब ये जो पाँच रुपए है चूँकि कंपनी को तो रिकॉर्ड में हंड्रेड का शेयर है तो हंड्रेड नहीं लिखना पड़ेगा ये पाँच रुपये जो है वो जो डिस्काउंट है वो शेयर डिस्काउंट में डेबिट होगा तो शेयर डिस्काउंट अकाउंट ये एक अकाउंट खोला जाएगा जैसे कि प्रीमियम एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम है कैपिटल इनकम है या कैपिटल रिसिप्ट है तो उसको क्रेडिट करते हैं उसी तरह से डिस्काउंट जो है एक तरह से लॉस है तो इसको डेबिट किया जाएगा अब यह है कि डिस्काउंट का समायोजन कैसे किया जाएगा अगर कोई भी सूचना नहीं दी गई देखिए डिस्काउंट कहाँ पर समायोजित करेंगे ये तो क्लियर अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसमें दिया रहता है अगर कोई भी सूचना नहीं दी गई है तो इसका समायोजन भी अलाटमेंट के साथ ही किया जाएगा जैसे कि जो प्रीमियम का जो आयोजन होता है या समायोजन होता है वो अलाटमेंट के साथ करते हैं उसी तरह से डिस्काउंट का भी जो लेखा जोखा है डिस्काउंट का भी जो व्यवहार है वो अलाटमेंट के साथ करते हैं तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पर तो जो अलाटमेंट है आपका वो एक्चुअली आपका हो जाएगा चालीस तीस अर्थात पच्चीस ये हो जाएगा मांगा गया और पाँच रुपये डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो इस तरह से कुल मिलाकर कर के थर्टी रुपीज़ हुआ आपका जो आपका अलाटमेंट हुआ वो अगर डिस्काउंट को जोड़ लेंगे तो पच्चीस रुपये भले मांगा लेकिन पाँच रुपये डिस्काउंट का अगर इसमें लेंगे तो चालीस तीस तीस हो गया तो ये इंट्री तो एज इट इज़ होगी ये जो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा जैसे सिंपल इंट्री करते हैं आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अब अलाटमेंट में कहाँ परिवर्तन आएगा शेयर अलाटमेंट यहाँ पर है पच्चीस रुपये जब पच्चीस रुपये के हिसाब से जितने भी शेयर होंगे उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे दस हज़ार है या एक हज़ार है तो शेयर भाई एक शेयर के हिसाब से अगर देखें तो शेयर अलाटमेंट ट्वेंटी फ़ाइव रुपीज़ कैपिटल में तीस रुपये ही जाएगा क्योंकि कैपिटल पाँच रुपये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर से एक अकाउंट खोला जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट ये होगा पांच रुपए तो अलाटमेंट ट्वेंटी फाइव रुपीज डिस्काउंट पांच रुपए अलाउ किया गया है और कुल मिलाकर के कैपिटल ये हो जाएगी थर्टी रुपीज़ अगर वन थाउजेंड है तो जैसे अगर हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था इसको वन थाउजेंड कर दीजिए तो फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये आपका कैपिटल में आपका अमाउंट वही गया इसके पहले जब प्रीमियम पर भी इशू किया गया था तो भी कैपिटल में उतना ही अमाउंट गया था एक्सेस अमाउंट प्रीमियम में क्रेडिट हुआ था यहाँ पर जो कम अमाउंट है वो डिस्काउंट में डेबिट हो गया अब ये डिस्काउंट वाला हिस्सा जो है अगर आपको शो करना है तो इसको बैलेंस शीट में एसेट आइज में दिखाते हैं क्योंकि एसेट्स में जो आपका वो जो एक तरह से ये आपकी एक जो एसेट्स है इसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है तो जैसे इसे राइट ऑफ करेंगे वैसे वैसे इसको खत्म कर देंगे आप जैसे कि अगर प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी के पास तो इससे इसको राइट ऑफ कर सकती है तो इसका भी समायोजन कंपनी आगे चल कर करेगी तो डिस्काउंट जब तक राइट ऑफ नहीं होगा तब तक बैलेंस शीट में एसेट साइज़ में दिखाते हैं और इसके बाद जब पेमेंट की होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट देखिए बैंक में तो जो जितना अलाटमेंट का है उतना ही मिलेगा आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है तो पेमेंट तो आपको फाइव थाउजेंड कम मिलेगा तो ये जो पेमेंट होगा वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होगा क्योंकि अलाटमेंट के अगेंस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ही आपने यहाँ पर ड्यू किया है फाइव थाउजेंड डिस्काउंट भी दिखाया है और कैपिटल का है थर्टी थाउजेंड तो जब पेमेंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होगी तो अगर इसको आप शो करेंगे तो जो बैलेंस शीट में ये डिस्काउंट को आपको राइट हैंड साइड में अर्थात एसेट साइड में शो करेंगे और कैपिटल आप जब शो करेंगे तो वो कैपिटल पूरी दिखाएंगे कैपिटल कभी भी चाहे एक्सेस प्राइस पर इशू करें या पर या इसको डिस्काउंट पर इशू करें कैपिटल एट पार ही दिखाई जाएगी हंड्रेड रुपीज़ का शेयर है तो हिसाब से जितने भी शेयर होंगे इन टू हंड्रेड कैपिटल आप उतनी शो करेंगे प्रीमियम क्रेडिट अर्थात उसको लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे और डिस्काउंट है तो उसको आप दिखा देंगे एसेट साइड में तो ये तो कुछ एक बातें हुई कि जब शेयर इशू किए जाते हैं और आ, किस मूल्य पर इशू किए जाते हैं तो इसको कैसे आपको रिकॉर्ड करना है तो एक सिंपल आ, ये कुछ समस्याओं को लेकर के भी कैसे इसका व्यवहार होगा तो ये हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया कि कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा अब इसी से रिलेटेड अकाउंट्स भी बनाने कहा जा सकता है आपको कि बैंक अकाउंट तैयार करिए तो जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो सीधे उसको फिर आप एक अकाउंट खोल करके उसकी पोस्टिंग करते चलेंगे वो फिर एंट्री नहीं करके वो डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना है आपको तो बैंक अकाउंट में टू शेयर अलाटमेंट टू शेयर अप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल और उसका अमाउंट जो है वो आपका एसेट साइड में बैंक अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर फाइव थाउजेंड कम मिला है तो अगर इस स्थिति में जैसे अगर एक हज़ार अनश है अगर आपको शो करना है यहाँ पर तो उस हिसाब से अगर आपको दिखाना है तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा और डिस्काउंट फाइव थाउजेंड तो एक लाख रुपये आपका एसेट साइड में और एक लाख की कैपिटल है वो आपकी लाइब्रेटरी साइड में तो वो आपका बैलेंस शीट में अगर इसको शो करना है तो आपका उस हिसाब आप से इसको शो कर देंगे तो ये तो कुछ एक बात हुई अब हम जो हम बात कर रहे थे कि ओवर सब्सक्रिप्शन ये तो हम मान के चल रहे थे कि जितने के लिए शेयर इशू किया गया है वो पूरे के पूरे अंश सब्सक्राइब हो गए अब ओवर सब्सक्रिप्शन स्थिति में कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको हम बोलते हैं अभी अंशदान या अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होना ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति यह है कि स्वाभाविक है जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कि जितने के लिए पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया है ऑफर दिया गया है उससे ज़्यादा के लिए आवेदन मिल जाता है जैसे मान लिया अगर बीस हजार सौ को इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया तो पच्चीस हजार सौ के लिए आवेदन मिलना, मिलना है या चालीस हज़ार के मिलना है या पचास हज़ार का मिलना तो वो उससे अधिक के लिए आवेदन मिलना ओवर सब्सक्रिप्शन अब ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो चूँकि अप्लीकेशन जब आती हैं तो कई उसमें छोटे छोटे अंशधारी होते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होगा कि किसी अगर मान लिया कंपनी ने मान लिया पचास अंस इशू किया और अगर साठ हज़ार के लिए अप्लीकेशन मिली तो वो दस हज़ार अंश किसी एक अंशधारी ने मांगे तो उसको रिजेक्ट करके बाकी को पचास दे दिया गया वो चूँकि किसी ने सौ अंश मांगा किसी ने दो सौ अंश मांगा एक मिनिमम जो होता है कि दस अंश से कम कोई नहीं ले सकता तो किसी ने दस अंश मांगा अगर मान लिया तो इस तरह से फिर उसको कंपनी फिर कैसे डील करेगी किस तरह से उसका जो है वो अलाटमेंट किया जाएगा तो वो एक प्रक्रिया होती है उसकी अब देखिए इसमें तीन स्थितियाँ हो सकती है एक तो है कि कुछ अप्लीकेट्स को हंड्रेड परसेंट अलाटमेंट कर दिया जाए अब जैसे अगर मान लिया पचास हजार के लिए मान लिया आवेदन कंपनी ने मान लिया इशू किया मान लिया इशू शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स अभी हम शेयर्स की बात कर लें फिर अमाउंट पे कन्वर्ट कर लेंगे इसको मतलब पचास हजार इशू किया माला और सब्सक्राइब्ड है माला नाइन्टी थाउजेंड और अप्लीकेशंस रिसीव्ड नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स तो ये एक्सेस एप्लीकेशंस हैं इशू किया पचास हजार लेकिन अप्लीकेशन्स मिली है नाइन्टी थाउजेंड तो अब नाइन्टी थाउजेंड कंपनी जो जितने अंश इशू किया है उससे ज़्यादा अंश नहीं दे सकती मैक्सिमम इशूड कैपिटल ऐसा नहीं है कि वो कंपनी पचास में नब्बे दे देगी पचास से कम तो दे सकती है लेकिन पचास से ज़्यादा नहीं हो सकता तो मैक्सिमम सीलिंग है अप टू फिफ्टी थाउजेंड अब इसको कैसे कंपनी फिर इसका जो है वो समायोजन कैसे करेगी तो तीन स्थितियां हो सकती हैं एक तो हो सकता है फुल अलाटमेंट एक होता है नील अलाटमेंट कुछ को तो पूरा कंपनी हंड्रेड परसेंट दे सकती है कुछ को रिजेक्ट कर सकती है और बाकी को प्रोपोर्शनल अलाटमेंट हो सकता है अनुपातिक आवंटन हो सकता है या जो सब कहते हैं प्रोराटा उसमें तो प्रोपोर्शनल अलाटमेंट प्रोपोर्शनल अलाटमेंट जैसे अब ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने लिया इसमें कि जो जो नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स हैं अगर इसी को थोड़ा सा अगर हम देखें इसमें तो जैसे मान लिया कि पैंतालीस हजार के लिए जो है फुल अलाटमेंट जो है ये जो है अप्लीकेंट्स फॉर फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स वेयर एलाइटेड इन फुल जैसे अगर आपको दिया है कि पैंतालीस हज़ार के जो आवेदक हैं इनको पूरा आंश दे दिया गया तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स फुल अलाटमेंट फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स फुल अलाटमेंट अगर इसी को देखें और इसमें मान लें नीचे वाले पेंडिल वाला हम बाद में रख लेंगे बाकी फॉर ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स फॉर ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स ये हम मान लेते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट अलाटमेंट प्रपोर्शनल को ट्वेंटी फाइव परसेंट अलाटमेंट और बाकी को नील है बाकी जो है रिमेनिंग नील है इसको लास्ट में ले लेते हैं रिमेनिंग्लिकेंट्स नील अलाटमेंट कोई भी एंशन नहीं दिया अब इसको देखिए कैसे करने का इसको आपको पैंतालीस हज़ार को पूरा पैंतालीस हज़ार दे दिए गए और बीस हज़ार को केवल पच्चीस परसेंट दिए गए अर्थात ये पैंतालीस हज़ार इसको पच्चीस परसेंट दिए गए दैट इज़ फाइव थाउजेंड और यहाँ नील है तो कुल मिला करके पचास हज़ार अंश हो गए इसमें तो अब ये जो पचास हजार अंश कंपनी ने इशू किया था उसका जो एक सहमति बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब अलाट किया उसको तो उस हिसाब से इसको ये डिसाइड किया कि जो पैंतालीस हज़ार को फुल अलाटमेंट कर दिया जाएगा और जो फोटी ट्वेंटी थाउजेंड है इसको मान लिया ट्वेंटी फाइव परसेंट किया जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो ये पहले इसको आप कैसे करेंगे इसमें कैसे एंट्री करेंगे जो भी आपने जर्नलाइज किया है जर्नल एंट्री किया है उसका परिवर्तन ये किस तरह से उसमें आपको शो करना है देखिए इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जितनी अप्लीकेशन हैं सबको इंटरटेन करना पड़ता है अगर नब्बे हज़ार के लिए आवेदन कंपनी ने मांगा है पचास हज़ार मांगा है और नब्बे हज़ार मिला है तो सबसे पहले जो नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स की जो अप्लीकेशन बनी है कंपनी रिसीव करेगी क्योंकि अप्लीकेशन जब आ रही है तो कंपनी पहले उसको रिसीव कर लेगी फिर उसका डिस्पोजल करेगी तो वो बात की बात है इसमें तो ऐज़ जो शेयर अप्लीकेशन पर अगर हमने अगर कोई एक अमाउंट यहाँ हम रख ले मान लिया ये है थर्टी रुपीज़ थर्टी थर्टी ट्वेंटी थर्टी एंड ट्वेंटी चार, एं चार इंस्टॉलमेंट है ये अप्लीकेशन अलाटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल तो ऐट द रेट ऑफ थर्टी ठीक है इसमें तो नब्बे हज़ार अंश के लिए टू लैख सेवेंटी थाउजेंड अठार इंटू थर्टी तो टू पॉइंट सेवन लैख ये कुल मिला करके जो अप्लीकेशन हुई आपकी वो थर्टी रुपीज़ के हिसाब से ये ट्वेंटी सेवन लैख हो जाएगी अरे नाइन्टी थाउजेंड इंटू थर्टी अर्थात जो है वो कुल मिलाकर के जो ट्वेंटी सेवन लैक है ये पूरा का पूरा कंपनी पहले पेमेंट लेगी अर्थात बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ये हो जाएगा अप्लीकेशन मनी फॉर नाइन्टी थाउजेंड शेयर्स एट द रेट ऑफ थर्टी पर शेयर्स ठीक है इसमें तो ये कुल मिला कर के सबसे पहला जो है वो तो प्रैक्टिस ये करना पड़ता है कि जितनी भी अप्लीकेशन हैं वो पूरा का पूरा एंटरटेन करके कंपनी उसको पहले रिसीव करती है फिर उसका डिस्पोजल किया जाएगा तो सबसे पहले एंट्री तो हो जाएगी आपकी अप्लीकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए फिर इसके बाद जो अपल्लीकेशंस रिजेक्ट की जाती हैं चूँकि सब रिजेक्ट कर दी गई हैं तो इसका मतलब है कि जो भी चूँकि अप्लीकेशन जो आपने रिजेक्ट किया है रिमेनिंग कितने बचे आप यहाँ देख लें अगर पैंतालीस हज़ार बीस हज़ार पैंसठ और पच्चीस हज़ार इसका मतलब बचे हम पर नाइन्टी थाउजेंड माना था पैंतालीस ये हो गया और बीस ये हुआ अप्लाइड में अप्लाइड फोर्टी फाइव थाउजेंड अप्लाइड ट्वेंटी थाउजेंड और रिमेनिंग का हुआ इसका अर्थात ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कुल नाइन्टी थाउजेंड था पैंतालीस हज़ार बीस हजार पैंसठ और पच्चीस तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग का जो अप्लीकेंट्स हैं वो पच्चीस हज़ार है पच्चीस हज़ार शेयर्स के लिए तो जो वापस किया जाएगा वो एट द रेट ऑफ थर्टी अर्थात जो सेवन पॉइंट फाइव लैख ये जो जो इनको रिजेक्ट किया गया है तो स्वाभाविक है कि जो भी अमाउंट मिला है पहले तो अप्लीकेशन प्राप्त हुई है जब उनको रिजेक्ट कर दिया गया था तो इस पर कोई फिर कंपनी को अमाउंट चाहिए नहीं रिजेक्ट कर दिया गया तो उनसे भी कोई भी अमाउंट अपेक्षित नहीं है कोई भी अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है रिजेक्ट का मतलब हुआ कि जो भी अप्लीकेशन बनी है उनको रिफंड कर दी जाएगी ठीक है इसमें तो सबसे पहले तो आपने उसको इंटरटेन किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन ट्वेंटी सेवन ये आपकी पहले एंट्री हो जाएगी फिर आपने जो भी अमाउंट जब वापस किया है जो रिजेक्ट किया है उसका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा तो उसकी इंट्री हो जाएगी आपकी अर्थात जब वापस करेंगे तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है वापस करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक तो सेकेंड आपका हो जाएगा जो इंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी फॉर रिफंड ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर दो शेयर होल्डर्स फॉर विच द एप्लीकेशन्स वेयर रिजेक्टेड या निन अलाटमेंट वाजमेट इनको कोई भी आवंटन नहीं किया गया तो वो फिर आप वा उसको वापस करने एंट्री कर देंगे अर्थात जो शेयर अप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट तो बैंक डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन और फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर अप्लीकेशन डेबिट टू बैंक तो शेयर अप्लीकेशन में अर्थात जो डेबिट उतना है करेंगे जितना रिजेक्ट कर रहे हैं आप तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये जो है कि रिफंड आप एप्लीकेशन में नहीं तो ये जैसे सेवन पॉइंट फाइव लैख सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड अब आप देखिए इसमें अभी जो आपने एप्लीकेशन डेबिट किया शेयर एप्लीकेशन ट्वेंटी लाख सेवन लैख से और क्रेडिट किया आपने ये जो बैंक अकाउंट डेबिट वो जो इसको डेबिट किया आपने सेवन पॉइंट फाइव लैक से आपने एंट्री की थी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ट्वेंटी सेवन लैख से क्रेडिट किया था और डेबिट किया सेवन लैख फिफ़्टी थाउजेंड अब नेट अमाउंट कितना बच रहा है ट्वेंटी सेवन लैख में से इतना वापस कर दिया गया अभी बच रहा है नाइन्टी लैख फिफ्टी थाउजेंड जी बच रहा है ना इसमें अब आप देखिए एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कितना अगर पचास हजारांश कंपनी को इशू करना है तो फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स के लिए और जो निर्धारित राशि रखी गई है वो एट द रेट ऑफ थर्टी थर्टी एट द रेट ऑफ थर्टी पर शेयर ये ये थर्टी है तो थर्टी इंटू फिफ्टी थाउजेंड अर्थात पचास हजार पर तीस रुपये के हिसाब से ये तो चला जाएगा शेयर कैपिटल में अर्थात पंद्रह लाख रुपये ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा साढ़े सात लाख वापस कर दिया जाएगा अब बचे हुए अमाउंट का डिस्पोजल कैसे होगा तो जो अमाउंट है जो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वो आप चाहे तो दोनों एंट्री मिला कर सकते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं इसको भी हम मिला के एक भी बता दे रहे आपको अगर जो ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में तो शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू तो शेयर कैपिटल ये जो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो जितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा केवल जो अमाउंट कंपनी को रिक्वायर्ड है पचास हज़ार शेयर पे थर्टी रुपए हिसाब से फिफ्टीन लैख तो पंद्रह लाख रुपये ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल में और साढ़े सात लाख वापस कर दिया दोनों एंट्री एक भी कर सकते हैं शेयर अप्लीकेीकेशन साढ़े सात लाख यहाँ डेबिट है शेयर अप्लीकेशन पंद्रह लाख यहाँ डेबिट है तो ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एक साथ डेबिट कर सकते हैं टू बैंक सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड टू शेयर कैपिटल फिफ्टीन लैख तो ये कंबाइंड भी कर सकते हैं दोनों अब देखिए कितना अमाउंट बच रहा है एप्लीकेशन में ये पंद्रह ये हो गया और सात हो गया ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अर्थात फोर पॉइंट फाइव लैख बच रहा है अभी ट्वेंटी सेवन लैख था और ट्वेंटी सेवन लैख में से फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका बच रहा है फोर पॉइंट फाइव लैख लेख फिफ्टी थाउजेंड ये जो एप्लीकेशन का एक्सेस है एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी ये एक्सेस है अर्थात जो रिक्वायर्ड अमाउंट है आपने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया जो एक्स जो अमाउंट जो रिजेक्ट किया गया था उसको उसको रिफंड कर दिया गया अब इसके बाद बच रहा है आपका ये फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड ये अमाउंट अभी आपका अभी आपका अप्लीकेशन शो कर रहा है अप्लीकेशन आपने आ, क्रेडिट किया ट्वेंटी सेवन लैख से और डेबिट किया ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से तो शेयर अप्लीकेशन मनी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट इज स्टिल शोइंग ए बैलेंस ऑफ फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड अब इसका जो समायोजन है वो कैसे करेंगे इसके लिए जो शर्तें दी होती हैं जब कंपनी जो निर्गमन की शर्तें निर्धारित करती है उसी में ये दिया रहता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति होती है तो जो एक्सेस अमाउंट का डिस्पोजल कैसे किया जाएगा ये वहीं पर मेंशन होता है वहीं पर दिया जाता है इसमें जैसे मान लिया कि अगर शर्तों में दिया होगा कि मान लिया कि एक्सेस अप्लीकेशन मनी मे बी यूज फॉर अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल्स मे बी यूज फॉर अलाटमेंट एंड फॉर सब्सिक्वेंट कॉल्स तो ये अगर दिया है आपको कि जो भी उसका प्रयोग है वो अलाटमेंट के लिए या जो उसकी बात की याचनाओं में समायोजन के लिए किया जा सकता है तो इसका आशय ये हुआ कि जो भी राशि हम जब ड्यू करते हैं आगे की याचनाओं के लिए तो जो अमाउंट मिल चुका है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं अब ये देखिए इसमें जो साढ़े चार लाख रुपए बच रहा है तो इस साढ़े चार लाख में से कितना अमाउंट अलाटमेंट के लिए बचा हुआ है और कितना अमाउंट आगे के लिए याचनाओं के लिए बच रहा है इसका हम कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं और फिर जब हम जो अमाउंट ड्यू करते हैं उसमें से इसको फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं अब साढ़े चार लाख रुपए ये देखिए आपका जो ये जो अमाउंट बच रहा है एक्सेस अमाउंट ये किस कैटेगरी का है ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इनको तो फुल अलाटमेंट किया गया है तो ये तो है नहीं इसमें आपका ये जो जेड कर दिया गया है अर्थात ये जो अप्लीकेंट्स थे ट्वेंटी वाले इसमें से इनको जो है वो ट्वेंटी फाइव अलाटमेंट किया गया है तो ये अमाउंट बच रहा है अर्थात ये जो पाँच हज़ार अंश हैं पाँच हजार अंशों का जो अलाटमेंट किया गया है इससे रिलेटेड अमाउंट है तो इस अमाउंट को केवल इन्हीं कैटेगरी के जो अंशधारी हैं इनसे जो है वो उतना न लेकर के इससे समायोजित कर लिया जाएगा तो जब हम जब नेक्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे तो ड्यू तो पूरा करेंगे और बाकी जो अप्लीकेशन मनी जो ऑलरेडी इतना अमाउंट से क्रेडिट है जो साढ़े चार लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको वहाँ पर से माइनस करते जाएंगे जब हम जैसे कि अलाटमेंट ड्यू किया तो शेयर अलाटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर जब बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट होगा तो वो उतना अमाउंट जो समायोजन किया जाएगा वो अप्लीकेशन डेबिट कर लेंगे और टू शेयर कैपिटल तो वो अमाउंट अलाटमेंट का जितना होगा वो उसमें समायोजित हो जाएगा उसी तरह फर्स्ट कॉल का अगर कोई अमाउंट बच रहा है तो फर्स्ट कॉल का और कुछ रिमेनिंग अमाउंट अगर सेकेंड कॉल का है तो जब हम पेमेंट होगा हमारा आगे सब्सिक्वेंट कॉल्स में अलाटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल एंड सो so ऑन तो उसमें से अप्लीकेशन से अमाउंट हम माइनस करते जाएंगे तो वो जो एक ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है उसको हम धीरे धीरे उसको फिर जैसे जैसे जो शर्तें दी है उस हिसाब से समायोजन करते जाएंगे तो ये आपका एक जो अंशदान या ओवर सब्सक्रिप्शन थैंक यू